सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गे स्मृता हर्षधीतिमशे सजनो स्वस्थै स्मृता मध्यमके नमस्ते महामाये श्रीधेश्वर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। उल्लंघं शिशिधो सलिलं सलिलं यशोकवनमहिम जनकात्र जाया आदाय तेन नैव ददा ललकां नमामि कमल प्राणांजलि राजनेयम्। वंशी विभूषितकरान नवनीर दलभवा बलाधरोष्ठा पूर्णे सुंदर गर्भाधर विरमिदनेत्रा कृष्णा परम किमर्मतत्वमहं न जाने। वैदेही सहितं सुरसुरमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने विरचितं वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभन्मञ्जन सुतः तत्त्वम् निभ्यः परमरम् व्याख्यानं भरतादिभिः परिवृतम् रामं भजे श्यामलम्। वन्दे विदेहकनजापदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्रम् हलमनुकृतापमनीषं मुनिहंससेव्यं सनमाशाय परितीतपरागपुण्यं मुकुन्दनाथः गोविन्द भो मुकुन्दनाथः गोविन्द भो। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल शिव शिव बोल कृष्ण कृष्ण बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव वासुदेव बनवारी
धर गोबर धन धार मुरली धर गोबर धन धार हरि जप इत उत कतहु न डो कुंद माधव गोविंद गोविंद बोल गोपाल बोल गोविंद बोल गोपाल बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल भगवत कथानुरागी श्रोतागणों श्रद्धामयी भक्ति स्वरूपा माताओं पूज्य बहनों मंच पर परीक्षित रूप में विराजमान श्री श्याम किशोर जी वाजपेयी अनंतानंद ब्रह्मांड नायक परात्पर कुल ब्रह्म भगवान श्री राधा कृष्ण की महती कमली कृपा दृष्टि से लक्ष्मी नारायण यज्ञ भागवत सेवा समिति के तत्वावधान में पशुपति नगर यशोदा नगर की पवित्र धरा पर कलिकलमश विध्वंसिनी प्रताप मोचनी भक्त मुक्ति दायिनी हरि कथा अमृत स्रोतस्विनी श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य अमृतमयी कथा का ये एकादशम ग्यारहवां वार्षिकोत्सव है और आज इस पावन परिसर में इस पुण्य धरा पर समस्त देवता समस्त धाम समस्त तीर्थ स्वयं विराजमान हो गए तत्रैव गंगा यमुना गोदावरी सिंधु सरस्वती सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार तथा प्रसन्ना गंगा यमुना सरस्वती पुण्यभद्रा कृष्णा कावेरी पंचमहाना हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतुबंध बद्रिकाश्रम रामेश्वरम अयोध्या कांची वृंदावन प्रयागराज सभी पुण्य धाम पुण्य तीर्थ इस पावन धरा पर विराजमान हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखादंत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय वेद कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से भागवत में अमृत ही भर गया तिबत भागवतम रसमालय भागवतम रसमालय ये भागवत रस का शिशु है भवन है निरंतर इसका पान करने वाले भक्त त्रैताप से मुक्त होकर भगवत कृपा प्राप्त कर भक्ति और मोक्ष प्राप्त कर
भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन श्रीमद् भागवत महापुराण। जय जय श्री राधारमण, जय श्री नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वार को छाड़ी के मैं आया तेरे द्वार, हे वृषभानंद दिनी अब मेरी ओर निहार। लेप सदा शुद्ध दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक मयंक के हे प्रभु सीताराम। धन्य भूमि यह धन्य है जहां साधु सत्संग, धन्य क्षेत्र यह धन्य है जहां हरि कथा प्रसंग। कथा श्रवण हित आई तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि में यज्ञ समान। श्रोता अपने भवन से श्रीमद् भागवत श्रवण करने हेतु जब एक एक पग बढ़ाते हैं तो करोड़ों यज्ञों का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। दीक्षित जी एवं श्रोतागणों, आप सबने कल तक की भाग भाग में महात्म्य वर्णन श्रवण किया, जिसमें कलिकाल के आगमन से भक्ति ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। वृंदावन आने से भक्ति का स्वरूप नवीन हो गया, इन ज्ञान वैराग्य वृद्ध ही बने रहे। तब देवर्षि नारद ने भगवान सनत कुमार के द्वारा हरिद्वार में भागवत का अनुष्ठान कराया और उस समय वहां ऋषियों का समागम हुआ। स्वयं भक्ति देवी अपने पुत्रों के समेत पधारी। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमयी करुणपा सहसा विराशीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मुहुर्भवन्ति। भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य तरुण हो गए, एक हाथ में ज्ञान दूसरे में वैराग्य, और आनंद से भगवत संचिंतन करते भक्ति प्रकट हुई है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति आसन पर विराजमान महाराज श्री शरद कुमार जी कहते हैं, भागवत कथा श्रवण करने से कौन कौन व्यक्ति तर जाते हैं। के विश्वजयंती तुम्हारा शरद कुमार कहते हैं, हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार का बीमार गदा, क्रोधा दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौपनन्दिते। ए मानवः पापार्थस्तु सर्वदा, जो मनुष्य सदैव पाप कर्म में प्रवृत्त रहे हैं, सदा दुराचार रता दिमार्ग का, सदैव दुराचारी और कुमार्गी रहे हैं, कुटिल क्रोधी कामी, ऐसे व्यक्ति भी जब सप्ताह भागवत कथा श्रद्धा और भक्ति से श्रवण कर लेते हैं तो सप्ताह यज्ञेन कलौपनन्दिते। सप्ताह यज्ञ भागवत सुनने से कलिकाल में वो भी तर जाते हैं, वैकुंठ प्राप्त कर लेते हैं।
ये दाम दाम का शरणों पुंज का तृष्णा कुला चाश्रम धर्म वर्जिता सच्चे नहीं ना पितु मात दूषिका सप्ताह यज्ञ ने कलो पुनंद ऐसे पापी पंचोग्र पाप करने वाले मनुषा वाचा कर्मणा पाप करने वाले पापी भी यदि सप्ताह भाग वस्त्रण कर ले तो भवसागर से तर जाते हैं। जब पापी भी तर जाते हैं तो भक्त जब श्रवण करेंगे तो क्यों नहीं तरेंगे भवसागर से। ऐसी पाप नाशिनी कथा तो जन्म जन्मांतर के पापों का विनाश कर सकते। ऐसी पाप नाशिनी और भक्तिदायी और मुक्तिदायी कथा बिना कोई बहुत बड़ी तपस्या बिना कोई बहुत बड़ा साधन किए बिना ही श्रवण मात्र से भगवत धाम देने वाली कथा। इस विषय में शरद कुमार जी बहुत बहुत सुंदर प्राचीन कथा सुना रहे हैं जिसके श्रवण से पाप हानि हो जाती है। तुंग भद्रातते पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेन सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर था। ये तुंगभद्रा नदी कहाँ है? भारत वर्ष में है, दक्षिण भारत में है और किष्किंधा पर्वत के निकट है, कर्नाटक प्रदेश में। किष्किंधा पर्वत के निकट ये नदी बहती है तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे बड़ा सुंदर नगर था। वहां चारों ओर बड़े प्रेम से रहते थे। उस नगरी में ब्राह्मण देवता रहते थे। ब्राह्मण देवता का नाम आत्मदेव। आत्मदेव पूरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रौतस्मार्तेषु निष्णातः द्वितीयः इव भास्करः। आत्मदेव बड़े ही वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, वेदों के पारगामी विद्वान हैं, तेजस्वी इतने हैं जैसे द्वितीय सूर्य ही हो। द्वितीय सूर्य के समान प्रकाश तेजस्विता जिनमें है। यद्यपि इनकी भिक्षा वृत्ति है लेकिन ये धनवान तत्प्रिया धुंधुलीश्वरिता। ब्राह्मण आत्मदेव की धर्म पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधुली देवी। ये धुंधुली कैसे हैं? स्वभाव्य स्थापिका नित्यम सुंदरी शुक्लो भवा लोकवारकारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका सूरा चिद्रिकृतेषु कृपणा कलह प्रिया। ये धुंधुली सुंदर कुल में उत्पन्न हुई है, सुंदरी भी है लेकिन अपने पति से अपनी ही बात हठपूर्वक मनवाती है, अपनी ही बात चलाती है, पति की बात चलने नहीं देती, अपनी ही हठ मनवाती है। स्वभाव्य स्थापिका अपनी ही बात को हठपूर्वक स्थापित करती है और सूरा चगृह कृतेश घर के कार्य में कुशल है लेकिन कृपण बहुत है और कलह प्रिय शांति नहीं है इसमें, लड़ाई इसको बहुत प्रिय है। कलह प्रिय संसारिकता में लोक प्रपंचों में बहुत बढ़ती है। लोक वार्ता क्रूरा बहुत जल्दी का बहुत बातें करती है, निरंतर बातें ही करती रहती है। बातों से लोग परेशान हैं कि बाड़े बंद कर लेते हैं, देवियां की आ रही बहुत बात करेगी, लड़ाई ऐसी धुंधुली है। नटखट स्वभाव पति का अपमान करने वाली आत्मदेव जो कहें ये प्रतिकूल आचरण करे। आत्मदेव एक दिन आए बोले देवी मिष्ठान्न बनाओ, धुंधुली ने मिर्चान्न बना दिया। वो जो कहें ये उल्टा चले, अभी उल्टा बोलकर अपना काम चलाने लगे। मिष्ठान खाना है तो मिर्चान्न कहते हैं, तब वो मिष्ठान बना। ये उल्टे स्वभाव। अध्यात्म में आत्मदेव आत्मा है
और धुंधली चित्त वृत्ति है, जो दूषित चित्त वृत्ति है, जो उल्टा ही चल चल कुमति स्वरूप है। घर में पुत्र भी नहीं है, कन्या भी नहीं है, न पुत्रो नापि वा पुत्री, ततश्चिन्तातुरो भृशं एकदा सद्यो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। घर में न कोई पुत्र हुआ, न कोई कन्या हुई, ब्राह्मण आदि बड़े दुखी हुए, घर में बड़ी अशांति है। एकदा सद्यो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, मारे दुख के ब्राह्मण ने अपना घर छोड़ दिया और वन को चले गए। बड़ी निराशा है जीवन में, हताशा है। अब ग्रीष्म ऋतु है, एक बहुत बड़ा सरोवर है, वहां गए, जल पिया और एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगे। ब्राह्मण के जीवन में चारों ओर निराशा आ गई, घना अंधकार छा गया। अब कोई भी सहारा उसे नहीं दिखाई पड़ा, चारों ओर अंधकार। जब चारों ओर अंधकार होता है जीवन में, निराशा होती है, निराशा का घोर तीव्र अंधकार, तब भगवान की कृपा प्रकाश की किरण बनकर मार्गदर्शन करती है। और भगवान की कृपा संत के रूप में आती है, सत्संग के रूप में आती है। जब आप संत से मिले, सत्संग मिले, तो आप समझें भगवान की कृपा मिली है। भगवान ऐसे सीधे आगे आकर थोड़े संत के माध्यम से अपनी कृपा भेजते हैं, सत्संग के माध्यम से कृपा भेजते हैं। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आप संत जी आगे रोते ब्राह्मण को देखा, अरे बोले ब्राह्मण क्यों रो रहे हो, अपनी चिंता का कारण विस्तार के रूप में बताओ। तो रोते हुए ब्राह्मण आत्मदेव बोले, किम ब्रब्रमीरिषे दुःखम् पूर्व पापे संचितम् मदीया पूर्वजास्तोयम् महाराज अपने दुख का कारण क्या बताऊं, पूर्व पापेन संचितम, ये तो मेरे पूर्व जन्म के पाप ही संग्रह हो गए और उन पूर्व जन्म के पापों के कारण मैं निःसंतान हूं। मैं अपने पितरों को जब जल देता हूं तो उन्हें कड़वा लगता है, उष्ण लगता है। मेरे द्वारा दिया हुआ जल पुरखे नहीं ग्रहण करते, मेरे द्वारा दिया हुआ हवन आहुति देवता स्वीकार नहीं करते, ब्राह्मण हमारे यहाँ भोजन नहीं करते। मद्वतम नैव गृह्यन्ते प्रीताः देवाः द्विजाचयः, पितर और देवता और द्विज ये हमारे द्वारा दिया हम कभी स्वीकार नहीं करते। मैंने सोचा मैं एक गाय पालू और गाय का बछवा हुआ उसे ही पुत्र मान माना। पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवे, यो मया रोपितो वृक्षः सोपि बंध्यत्वम् आश्रयेतु। मैंने गाय पाली वो भाग हो गई, मैंने एक फलदार वृक्ष लगाया वो फल हीन हो गया, मैं बाहर से भी फल लाया घर आते आते वो नष्ट हो गया। मेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है, अस्त प्राण देने आया। संत जी बोले, आत्मदेव शास्त्रों में वर्णन है, अशुरिया नाम के लोकांधेन तमसा व्रता ते ताम गच्छन्ति एक एक चात महनो जना, जो आत्महत्या करते हैं
उन्हें घोर रोर तामिश नरकों की प्राप्ति होती है। वहां सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता, अंधकार में नरकों में उन्हें डाला जाता है जो आत्महत्या करते हैं। भगवान द्वारा दिया हुआ ये सभी मंदिर जो नष्ट कर देते हैं स्वयं अपने हाथों से, उन्हें घोर नारकीय योनियां प्राप्त होती है। करोड़ वर्ष तक नरकों में पड़े रहे, इसलिए आत्महत्या तो तुम्हें करना नहीं चाहिए। तुका महाराज हमारे पुत्र नहीं है, हम बड़े बड़े हैं, संतान नहीं, आगे वंश कैसे चलेगा, हमारी पत्नी भी कलह प्रिय है। संत जी ने कहा, लाओ तुम्हारे मस्तक की रेखाएं देखें, क्या तुम्हारे भाग्य में पुत्र लिखा है। तद्भालक्षरमाला वाचया मास योगवान, योगी ने उनके ललाट की रेखाओं को बांचा और बोले, श्रुण विप्रमया ते प्रारब्धम तो विलोकितम, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। हे ब्राह्मण आत्मदेव, मैंने तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया, सप्त जन्म अवधि, सात जन्म तुम्हारे पुत्र नहीं होगा, नहीं होगा, नैव च नैव च, तुम्हारे पुत्र नहीं होगा, नहीं होगा। अब एक बात बताओ, तुम पुत्र लेकर करोगे क्या? क्या पुत्र से ही सुख मिला किसी को? क्या ये धन सुख देने वाला है कि पुत्र सुख देने वाला है? जिनके पुत्र हैं क्या वो सुखी ही हैं? एक राजा था सूर्य वंश में, उसके 60,000 पुत्र थे। क्या नाम था उनका? सगर। वो बड़े दुख में मरा। संतते सगरो दुखम अवापांगे था पुरा। राजा सगर के 60,000 पुत्र कबिल के शाप से भस्म हो गए और बड़ा दुखांत निधन हुआ सगर का। अंगा मनुवंश में एक राजा अंग हुए, उनका बेटा बैन बड़ा पुत्र हुआ और उसके कारण पिता को बहुत दुख हुआ। राजा त्याग कर जंगल चले गए। रे मुंचा दिक्कु कुंभासाम सन्यासे सर्वथा सुखम, तुम कुटुंब की आशा का त्याग कर दो, मोह छोड़ दो, हमारी तरह सन्यासी हो जाओ। सन्यासे सर्वथा सुखम, सन्यास में सदैव सुख मिलेगा, सर्वदा सुखम, कोई चिंता नहीं, आनंद ही आनंद है, भजन है। ब्राह्मण को बहुत सुंदर ज्ञान दिया सन्यासी जी ने, लेकिन जहां मोह है वहां ज्ञान ठहरता नहीं, रपट जाता है, जिससे कमल के पत्ता पर जल नहीं ठहरता। इसे जहां मोह है अज्ञान है वहां ज्ञान ठहरता नहीं। ब्राह्मण बोला, ये तो हम भी जानते हैं, हम भी वेद पढ़े हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं। विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि, नो चेत् त्यजाम्यहं प्राणान् तदग्रे शोकमूर्छितः। हमें विवेक की आवश्यकता नहीं। विवेकेन भवेत् किं, विवेक से क्या होगा? पुत्रम देहि बलादपि, हमारे भाग्य में नहीं लिखा, फिर भी बल पूर्वक आपका प्रभु हमें और पुत्र में नहीं दोगे तो तुम्हारे सामने ही हम प्राण त्याग देंगे और ब्रह्महत्या तुम्हारे ऊपर पड़ेगी। सन्यासी जी और बोले, और देखो ये हमारे ही सामने मरेगा, पाप भी हमारे ऊपर डालना चाहता है। अरे भाई, जब तुम्हारे भाग्य में विधाता ने पुत्र नहीं लिखा, तुम कहां से तुम्हें पुत्र दे? बोले महाराज, आपके पास तपोबल है, आपके पास मंत्र शक्ति है, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये संसार दैवाधीन है, देवता मंत्राधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है,
इसलिए ब्राह्मण देवता है, उसके पास मंत्र शक्ति है और मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है। तंत्र यंत्र मंत्र सबसे शक्तिशाली है। मंत्र के द्वारा भाग्य की रेखाएं पलटी जा सकती हैं, बदली जा सकती हैं। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्रों में बड़ी शक्ति है। रामायण में एक जगह वर्णन है, देवर्षि नारद कहते हैं हिमांचल से, कह मुनि सही मन्वंत सुन, जो विधि लिखा निरार, देव यक्ष गंधर्व मुनि को न मेटन हार, लेकिन जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी में त्रिपुरारी भागी को भी मेल देते, इसलिए आप हमें पत्र दे। ब्राह्मण विचार कर पुत्र तुम्हें सुख देने वाला नहीं होगा, सुख का हेतु नहीं होगा, चित्र के को कष्ट मिला, ब्रह्मा का लेख मिटने से चित्र के विध लेख मर्जना, ब्रह्मा जी का लेख मिटवा करके पुत्र पाया था चित्र के तुम्हें, उसे बड़ा कष्ट हुआ। बोले महाराज हमें पुत्र दीजिए, बहुत हठी ब्राह्मण है, बहुत आग्रही है, तस्याग्रहं समालोक्य फलम एकं स दत्तवान, एक फल प्रदान कर दिया, लो इदं भक्षे पत्न्यास्त्वं ततः पुत्रो भविष्यति, ये फल फल ब्राह्मण को खिला देना और फल के प्रताप से तुम्हारे एक होगा, लेकिन तुम्हारी धर्म पत्नी फल खाने के बाद मेरे बताए नियमों का एक वर्ष तक पालन करना। कौन कौन नियम है? सत्यम शौचम दयादानम एकभुक्तम भोजनम वर्षावधि स्त्रियः कार्यो तेन पुत्रोति निर्मलः, तुम्हारी धर्म पत्नी एक वर्ष तक सत्य बोले, एक वर्ष तक पवित्र रहे, एक वर्ष तक दयावान रहे और दानशीला रहे, और एक वर्ष तक दिन रात मिलाकर एक ही बार भोजन करे, हर वर्ष में केवल एक बार भोजन करे, एक भुक्तम भोजनम वर्षावधि स्त्रियः कार्यो, एक वर्ष करना है, तेन पुत्रो अति निर्मल, बड़ा निर्मल पुत्र होगा। प्रणाम किया सन्यासी जी को, आत्मदेव ने चल पड़े भवन की ओर, सोचते जा रहे हैं ये फल तो हम ले आए कि नियमों का पालन कर धुंधुली करे, धुंधुली में सत्य का स्पर्श नहीं, स्पर्श नहीं सत्य का, पवित्रता तो छू के नहीं निकली, दया उसमें है ही नहीं, बड़ी निष्ठुर है और दान कभी दिया नहीं। अंतिम बात सबसे कठिन, एक भुक्तम भोजनम,
एक बार भोजन की बात सबसे कठिन है, क्योंकि बिना मुंह धोए सवेरे चार बजे बासी भोजन पर आक्रमण करती है। पांच बार भोजन करने वाली है, एक बार भोजन कैसे करेंगे भला? अब नहीं हमारे निर्मल होगा, कुरूप होगा, भवनिपनीति नहीं कहे जाएंगे। आए ब्राह्मण देवता ने धुंधली को बुलाया और फल दिया, नियम भी बता दिया, सत्यम समसम दया दानम एक भुक्तम तो भोजनम वर्षा का नियम बता दिया। और किसी आवश्यक कार्य से आते जब कहीं चले गए तो धुंधली फल लेकर के घर के बाहर निकली और अपनी सखियों के आगे रोने लगी। सखियों ने पूछा, देवी क्यों रो रही, क्या बात? बोले फल बड़ा घातक। बोले घातक? बोले हाँ। बोले क्या इसमें दुर्गुण है? का फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेण उदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यं कथं भवेत्। यदि हम फल खा लेंगे तो हमारे गर्भ आ जाएगा, जब गर्भ आएगा तो उधर हमारा बड़ा हो जाएगा, और उधर जब हमारा बड़ा हो जाएगा तो भोजन कम हो जाएगा, और जब भोजन कम हो जाएगा तो शक्ति कम हो जाएगी, और जब शक्ति कम हो जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? गृह कार्य कथम भवे, घर का काम कैसे होगा, हमारे कौन करेगा? इसलिए फल खाना उचित नहीं। सखियों ने कहा, पुत्र होगा वंश बेली आगे बढ़ेगी, फल खा लो देवी धुंधली। बोली खा तो ले, लेकिन अगर मान लीजिए दैवा धाटी ब्रजेत ग्रामे पलायत गर्भिणी कथम, दैव से हमारे गांव में डाकू आ जा, चोर आ जा, दैवा धाटी ब्रजेत ग्रामे तो सब भाग जाएंगे, पलायत गर्भिणी कथम हम कैसे भागेंगे? हम तो भाग ही नहीं पाएंगे, हमें पकड़ लेंगे चोर, इसलिए हम फल नहीं खाएंगे। सखियां बोली खा लो, तुम्हारा वंश बढ़ेगा, कितने प्रयास में महाराज जी लाए हैं, ये फल खा लो। बोली खा तो हम ले, लेकिन शुकवत निषेध गर्भम तदा में मरणम भवे। अगर मेरा गर्भ शुकदेव की तरह 12 वर्ष बना रहा तो मरणम भवे, हमारी मृत्यु हो जाएगी। और सब बातें अगर मान भी ले तो चौथी बात हम मानने को तैयार नहीं। बोले कौन बात? बोले मृंदायां वै सर्वस्वं ननांदा संघरे तदा, हमारे बालक होगा घर के एक कक्ष में, सूची का गृह में हम बैठ जाएंगे बालक को लेकर, हम बुलावे चाहे न बुलावे हमारी नंदे जरूर आएंगे, बालक की बात सुनकर नंदे आएंगी, और हमारा घर सोना पाकर के नंदे, हमारा घर सब माल असबाब हीरा मोती जवाहर, हमारे घर के सब नंदे बांध ले जाएंगे, अपनी संपत्ति से नंदों को फूटी कौड़ी नहीं देना चाहे, नंदों को अवसर मिल जाएगा तो हम फल क्यों खाएं जो नंदों को अवसर मिले, हम फले नहीं खाएंगे, हम पुत्र नहीं चाहते। एवं पुत्र कयोगेन, महाराज पुत्र है उसका, एवं पुत्र कयोगेन तत् फलम नैव भक्षितम् पत्या पष्टम् फलम भुक्तम् भुक्तम् चेतितैरितम्। उसने फल नहीं खाया, पुत्र किया, आत्मदेव आए बोले देवी तुमने फल खा लिया, बोले तो हमने उसी समय खा लिया, भुक्तम चेतितैरितम्, झूठ बोल गए, अब फल खाया नहीं, पुत्र होगा नहीं, तुम्हें चिंता है, दिनों दिन दुबली होती चली जा रही है। एक दिवस की बहन आई धुंधली की बहन, और बोली अरे बहन तुम दुबली बहुत हो गई, तुम्हारे यहाँ कोई कमी तो है नहीं सुख सुविधाओं, फिर इतनी दुबली क्यों हो? बोले हमने फल नहीं खाया, अब हमें पुत्र नहीं होगा, हम अपने पति को क्या उत्तर देंगे? ये धुंधली से दो पांव मांगे इनकी बहन, बोली घबराओ नहीं, हमारे गर्भ में पुत्र ही है, ऐसा हमें ज्योतिषियों ने बताया, वह पुत्र हम तुम्हें दे देंगे, जब जन्म होगा पुत्र का वो हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन बदले में अपने घर का आधा धन स्वर्ण रत्न सब
तुमको हमें देना होगा। ये शर्त यदि मानो तो अपना पुत्र हम तुम्हें दे दें। ठीक ठीक बोले तब तब ठीक है, सगर्भा नारी के भाग छिप कर घर में रहो। लेकिन ये फल की भी तो परीक्षा होनी चाहिए। ये फल सत्य है या मिथ्या है? फलम परपय धन्वई त्वम। घर में जो गाय है गाय को फल खिला दो तो गाय माता को फल खिला दिया। समय पाकर गुरुली के बहन के जब बालक हुआ तो उसका पति गोपनीयता से अर्धरात्रि में चुपचाप गुरुली को बालक ले गया और बदले में आधा रत्न धन ले गया। अब धुंधली प्रातः काल उठी और जोर से चिल्लाई, हमारे तो सुख पूर्वक बालक हुआ, सुखम उत्पन्नम त्वर पुरा, सुख पूर्वक बालक हुआ। अब तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने सृष्टि वाचन किया, जात जात संस्कार करवाया, दान दान बांटा। अब नामकरण की बेला आई तो धुंधली बोली, हम अपने अनुसार पुत्र का नामकरण करेंगे, ब्राह्मण के अनुसार नहीं करेंगे। पुत्रस्य धुंधकारी नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्। मेरा नाम है धुंधली, मेरी ही राशि से मिलता हुआ नाम मेरे बालक का धुंधकारी। क्या नाम रखा? धुंधकारी। त्रिमाशे निर्गते चाथ साधेनु सुस्वेष्टम् सर्वांग सुंदरं दिव्यम् निर्मलं कनक प्रभम्। धुंधकारी के जन्म के 3 महीने बाद, क्यों 3 महीने बाद ही फल पिलाया था गाय को, वो समय पूरा हुआ गैया मैया का। साधेनु सुसुवे अर्भाकम्, गैया के वंश का बालक उत्पन्न हुआ। सर्वांग सुंदरं दिव्यम् निर्मलं कनक प्रभम्। बालक का पूरा अंग बड़ा मनोहर है, बड़ा सुंदर है, दिव्य है और सोने जैसा चमक रहा है। कनक प्रभम बहुत बहुत तेजस्वी, बहुत सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। ये तपस्या का प्रभाव, संत के फल का प्रताप। बालक के कान गाय जैसे, पूरा शरीर मनुष्य के बालक जैसा, इन कान गाय जैसे। गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णो नाम चाकरो। गाय जैसे कान देख करके आत्मदेव ब्राह्मण ने बालक का नाम रख दिया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की। दोनों बालक बड़े होने लगे, लेकिन संस्कारों में आमूल परिवर्तन। एक संत के फल का प्रसाद है, गोकर्ण बालक बालक ज्ञानी हुआ। अरे धुंधली के स्वभाव, धुंधली के आचार में, धुंधली की संस्कृति में पलने वाला बालक बड़ा कुसंस्कारी हुआ, बड़ा पुष्ट हुआ, बड़ा कड़ल हुआ। गोकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधकारी महाखल चौरह सर्वजन द्वेषी परवेश प्रदीपक। गोकर्ण बहुत बड़े विद्वान हुए, आचार्य हुए, ज्ञानी हुए, महान पंडित हुए। कि धुंधकारी महाखल, धुंधकारी बड़ा खल हुआ। खलों के जितने लक्षण हैं सब धुंधकारी में। चौरा चोरी करने लगा, सर्वजन द्वेषी, सबसे द्वेष करता, अकारण ही बैर करता, अकारणा विस्कृत वैर दर्दना असज्जना कस भय में जायते विषम महाहि ऋवयस्य दुर्वचः सुदुस्सुः सन्नीतं सदा मुखे। अकारणा विस्कृत वैर दर्दना, ये भैर का आविष्कार करता घूमता रहता है, खोज करता कैसे भैर हो, किससे लड़ाई हो, अकारण इसके विष, इसके मुख में विष भरा है। सौ हस्ते
मुर्दा छूकर भी स्नान नहीं करता, भोजन कर लेता है। स्नान शौच क्रिया याना दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता, स्नान भी नहीं करता। कुछ लोग जाड़े में स्नान नहीं करते, कुछ लोग बोले पानी छिड़क, बोले नहीं स्नान तो हमारे सनातन संस्कार का अनिवार्य अंग है। स्नान अवश्य करना चाहिए, पवित्रता भीतर बाहर की पवित्रता भगवत भजन से होगी तो भजन भी करना चाहिए। सब आइया अंतरु सूचि या ईश्वरे पुरुषाक्षम, सब आइया अंतरु सूचि। जो पुंडरीकाक्ष का भजन करते हैं वो भीतर बाहर पवित्र हो जाते हैं। दुर्भक्षी आहार बिगड़ गया, मांस मज्जा का सेवन करने लगा, बड़क क्रोधी हुआ। दनाई नहीं दुर्भक्षी, ये लक्षण जिनके भीतर हैं सब समझो दुर्भक्षी हैं। पहले एक ही दुर्भक्षी था, अब हर मोहल्ले में दो चार दुर्भक्षी होते हैं। ये दुर्भक्षी क्या करने लगा, तेन वेश्या संगेन पितरम वित्तम तु नाशितम, वेश्याओं के कुशंग में पड़कर पैतृक संपत्ति को नष्ट कर दिया। जब घर में धन नहीं रहा तो एक अदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयं आहरत, पितरौ माता पिता को पीटा इसने, और जो घर में संपत्ति थी उसे उठाकर पात्रों को उठाकर वेश्याओं को दे आया। माता पिता कितने यत्न से बालक को पालते थे। जड़े की ऋतु में स्वयं गीले में सोकर सूखे में सुलाती अपने लाल लाल, कितने कठिनाइयों में माता पिता पुत्र को पालते हैं, पढ़ाते हैं, बड़ा बड़ा करते हैं, और बड़े होड़े होके जब माता पिता को भूल जाते हैं, सेवा नहीं करते, तो भगवान वहां से प्रसन्न नहीं हो सकते।